दिनानी, वेलकमिंग यू यू टू मैग्नेट एंड ऑल नो कि हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं ऑफ द बुक हनी ड्यू तो यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर था उसी के अंदर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोम दी है बहुत ही शॉर्ट सिंपल सी पोम है बट इट हैज अ वेरी बिग मॉरल मैसेज और वो क्या है वो हम देखेंगे बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट रीड कि हम एग्जैक्टली exactly कौन सी पोम कवर कर रहे हैं सो वी आर गोइंग टू सी द पोम द एंट एंड द क्रिकेट रिटन बाय बायॉप अभी हम पढ़ेंगे एंड इट इज एडेप फ्रॉम एसॉप Fables. अब फैबल क्या है कौन है, ये सब हम देखेंगे बट उसके पहले ये देख लेते हैं कि भाई हम इनके बारे में क्या क्या पढ़ रहे हैं. एक एक अब पर हो रहा है है, ना? बहुत ही interesting सी स्टोरी दिखाई छोटी सी स्टोरी है और ऐसा कहा जाता है कि ये एक imaginative स्टोरी है, जो कि सच भी है कि एंट और क्रिकेट एक आपस में बातचीत कर रहे हैं ये सब चीजें जो है रियलिटी में नहीं होती बट दिस इज समथिंग जो इनके केस में तो नहीं बट हम ह्यूमन बींग्स के केस में एक रियल इंस्टेंस है एक रियल स्टोरी है देखो दो टाइप के लोग होते हैं एक होते हैं जो कि डिले करने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू गाइज नो कि आपके एग्जाम्स जो हैं, वो सपोज आफ्टर टू मंथ्स हैं ठीक है लाइक like आपको पता चल गया मार्च में कि आपके एग्जाम्स जो हैं, वो जून फर्स्ट या फिर मई एंड में बिगिन हो रहे हैं चलो सपोज हम ये देख लेते हैं तो यहां पर यहां फिर मे के बिगनिंग में हो रहा है चलो मार्च आपको फर्स्ट को पता चला कि मे के बिगनिंग में आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाला है दो महीने आपके पास अब देखो दो टाइप की कैटेगरीज होती है एक होंगे स्टूडेंट्स जो बोलेंगे अभी बहुत टाइम है दो महीने यार क्या करना है पढ़ के अपन पढ़ लेंगे अप्रैल में स्टार्ट करेंगे कल से स्टार्ट करूंगा कल 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 एंड फाइनली जब फिफ्टी अप्रैल आएगा तब आपको लगेगा गॉड दिन बच्चे हैं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है थोड़ा बहुत पढ़ोगे थोड़ा बहुत पढ़ोगे एट दी एंड लास्ट डे जाके बुक उठाओगे ढंग से और सब कुछ पढ़ोगे ठीक है एक कैटेगरी के बच्चे होते हैं कि जिस दिन पता चला भाई एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं मे फर्स्ट से दे आर गोइंग टू टेक देयर बुक्स इन देयर हैंड्स एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग सीरियसली ठीक है विद फुल डिटर्मिनेशन एंड फोकस फ्रॉम दैट वेरी डे तो ये जो पहले कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना इनमें से कुछ होते हैं कि चलो ठीक है अच्छे मार्क्स आ जाते हैं बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मेजोरिटी ऐसे होंगे इस फर्स्ट कैटेगरी के दैटर कि तभी से पढ़ लेना चाहिए था काश में ये भी टाइम यू नो उस वक्त डाल देता इसमें एफर्ट्स यहां पे फोकस कर लेता तो एटलीस्ट मेरे इतने चैप्टर्स रिमेनिंग नहीं होते एंड दिस इज द सिनेरियो दैट यू सी बट द सेकंड कैटेगरी पीपल आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट बिकॉज दे नो कि आई हैड इनफ टाइम टू कंप्लीट द चैप्टर्स टू रीड टू रिज इट टू प्रैक्टिस के लोग है ना वो है हमारा क्रिकेट और जो सेकेंड कैटेगरी के लोग है वो है हमारी एंट ठीक है तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैसे क्रिकेट जिसको गाना गाने का बड़ा शौक है he loves सिंगिंग और वो अपना था वो सारा टाइम दैट इज दिंग इट्स नॉट कोल्ड इट्स सनी तो इस तरीके से वो सोचता है कि चलो भाई मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ एंड ही जस्ट स्पेंड दैट टाइम इन दैट इंस्टेड हमें बोलना चाहिए क्यों क्योंकि सेम चीज जो है एंट क्या कर रही है उस मौसम में वो खाना इकट्ठा कर रही है वो अपना शेल्टर प्रिपेयर कर रही है ताकि विंटर्स के टाइम पे ये लोग क्या होते हैं एक जगह है रह जाते हैं जैसे आप अपने घर पे देखो तो विंटर्स के टाइम को एंट्स नहीं दिखेंगे बट गर्मियों में आप देखेंगे कि एंट्स बाहर आ रही है ग्राउंड से बाहर आ रही है किसी के वॉल में होल में से आ रही है तो वो लोग खाना इकट्ठा करने का टाइम होता है उनका तो क्रिकेट जो है वो ये सारा टाइम गाना गाने में बिता देता है एंजॉय करने में बिता देता है और वही एंड क्या कर रही है एंड जो है वहां पर हार्ड वर्क कर रही है उस वक्त जब ये एंजॉय कर रहा है लेटर इन द एंड जैसे कि एक्सपेक्टेड है वही होगा बट ऐसा क्या होने वाला है जिससे हमें एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा वो हम देखेंगे इन द पोअर बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द ऑथर देन वी विल सी एक्सैक्टली ये क्या होता है एंड फाइनली वी विल बिगिन विद द वेरी फर्स्ट एंसर क्लियर ऑल राइट

एंड उनका एक कलेक्शन था फेबल्स का फेबल्स क्या है उसको इन डिटेल अभी हम डिस्कस करेंगे तो इस पूरे कलेक्शन का नाम था एसॉप्स फेबल्स एसोब के थ्रू लिखी हुई फेबल्स और उन्हीं में से एक फेबल क्या है ये द एंट एंड द क्रिकेट मतलब जो कंजूस होता है यानी जिसके पास यूरो चीजें होती है बट वो कोशिश करता है नहीं देने की किसी को शेयर नहीं करता उसे कहते हैं माइसर एंट ठीक है तो यहां पर हम इन दोनों की स्टोरी सुनेंगे जो कि एक सिली यंग क्रिकेट के बारे में है सिली क्यों है? क्योंकि वो फूलिश हरकत करेगा क्या फूलिश हरकत वो अभी हम ऑलरेडी you know, uh, तो हमें बस इतना पता है कि हम ओवरऑल इस क्रिकेट और इस एंड के बारे में पढ़ने वाले हैं इसलिए टाइटल जो है वो तो बिल्कुल एप्ट है और अब फेबिल क्या है वो हम देख लेते हैं है। फेबिल्स लिखे हैं और उन्हीं फेबल्स में से एक फेबल है क्रिकेट के बारे में क्लियर ऑल राइट सो इन योर बुक इट इज गिवन

और यहां पे ज्यादातर एनिमल्स को यूज किया जाता है ताकि वो आपको एक मॉरल कैरेक्टरिस्टिक एक मॉरल स्टोरी दे पाए जैसे कि ये पूरी पोम आपको एक बहुत अच्छा मैसेज देती है जो कि आप अपने बिगिनिंग ऑफ द सेशन में अगर समझ जाओगे देन लेटर इट वुड बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू बिकॉज डीलेइंग समथिंग दैट इज नेवर गोइंग टू गिव यू एनीथिंग ठीक है एक्सेप्ट

तो यहाँ पर ये जो एसॉप हैं पोइट हैं वो कहना चाहते हैं कि ये सारा जो एक सिग्निफिकेंट आइडिया है ये जो एक मॉरल है वो

Through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was calm. Ab kya hota hai finally ये एक यंग क्रिकेट है जिसका नाम क्या है भाई क्या बोल दिया उसको सिली यानी कि वो है फूलिश उसको समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए ही इज नॉट अवेयर ऑफ द आइडिया द राइट थिंग दैट ही शुड डू बल्कि वो एक स्टूपिड चीजों में ही अपना टाइम वेस्ट कर देता है वट ही डज इज ही अ कस्टम्ड टू सिंग अ कस्टम टू सिंग मीन्स यूज टू सिंगिंग इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग मतलब गाना गाना उसकी एक हैबिट है हॉबी है वो पूरा टाइम गाना गाना ही गाता रहता है और वही चीज वो यहाँ पे कर रहा है थ्रू द वॉर्म सनी मंथ गर्मी है सनी मंथस है बिल्कुल सूरज की रोशनी है गर्मी का टाइम चल रहा है एंड इट इज है इनसेक्ट्स दिस टाइम इज वेरी नाइस हैप्पी बिल्कुल खुल के यू नो घूम सकते हैं वो दिस इज स्प्रिंग टाइम बहुत अच्छा मौसम है ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है और इस ब्यूटीफुल से हैप्पी से फेस्ट बोल सकते हैं आ, जो हमारा मौसम है राइट right? जो अभी एक वेदर है ब्यूटिफुल सा उसमें ये सिर्फ क्या कर रहा है गाना गा रहा है

ये जो बिल्कुल समर सीजन चल रहा था दैट टाइम ही एंजॉयड हिज टाइम ही वाज अ कस्टम टू सिंग बट नाउ ही इज रिग्रेटिंग इट ही इज कंप्लेनिंग दैट आई हैव नथिंग इन माय कवर्ड आई हैव नथिंग टू ईट स्पेसिफिकली और अब जो है विंटर का टाइम भी आ चुका है क्लियर तो समझ आ रहा है क्यों बोला है फूलिश बिकॉज उसने पूरा फूलिश तरीके से ही अपना पूरा यू you नो know, ये समर सीजन वेस्ट कर दिया जब उसको थोड़ा बहुत हार्डवर्क करना चाहिए था not a crumb to be found on the snow covered ground not a flower could he see not a leaf on a tree oh what will become says the cricket of me what happens जैसे ही वो घर पहुंचता है अपना कवरड ओपन करता है विंटर सीजन आ गया है he saw that there was a not at all Any food. फूड नो फूड इवन देर वॉज नो क्रम जो है वो ज्यादातर खाने के टुकड़े के लिए यूज किया जाता है बट कॉमनली इसे हम यूज करते हैं फॉर अ स्मॉल ड्राई पीस ऑफ ब्रेड जैसे आप सुनते हो गए ब्रेड क्रम्स यानी छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना उसे कहते हैं ब्रेड क्रम्स ठीक है bread, bread crumbs, तो यहां पे क्या होता है वो जैसे ही कबर देखता है अपने घर में तो उसके घर में कुछ नहीं है Even एक छोटा सा खाने का का टुकड़ा भी नहीं है उसकी है 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 कवर्ड में खाली वो वो और जो पूरा बाहर से कवर हो चुका ठंड मौसम आ गया, विंटर सीजन आ गया गया हर जगह सिर्फ स्नो ही स्नो है नॉट अ फ्लॉर कुड ही सी नाउ विंटर्स में क्या होता है हर जगह स्नो कवरिंग हो जाती है देर इज नो फ्लॉर ऑन द ट्री कुछ नहीं बचता तो वो फ्लॉर्स भी नहीं ले जा सकता ताकि वो कुछ खा पाए अपने लिए शेल्टर बना पाए एंड देर वॉज नॉट इवन ए लीव ऑन ए ट्री और कोई पत्तियां भी नहीं थी लीव भी नहीं थी कि वो उसी को खा ले या फिर यू you नो know, उसी को यूज कर ले किसी अपने पर्पज के लिए ओ वॉट विल बिकम एंड नाउ ही स्टैंड ही अब क्या होगा मेरा सेज द क्रिकेट ऑफ मी it means now as he went into his home and he found the cupboard that it was empty there was not even a single piece of bread not even a single piece of food there was no leaf on the trees there was no flower and it was completely covered with snow so he had no ways

खाना कलेक्ट करे अपने शेल्टर के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करे ही शुड डू समथिंग बट ही वेस्टेड ऑल टाइम इन सिंगिंग एंड एंजॉइंग सेम थिंग जो कैटेगरी वन के स्टूडेंट्स करते हैं जब एक पता है कि भाई एग्जाम्स में सिर्फ दो महीने बचे हैं टाइम है तो ये दो महीने हैं वो आपका समर स्प्रिंग सीजन जब आपको पढ़ाई करनी चाहिए बट ये क्या करते हैं ये विंटर्स के टाइम पर पढ़ाई करते हैं यानी कि जो लास्ट टाइम होता है ठीक है यहाँ पे मैं कंपेयर कर रही हूँ एक्जेक्टली विंटर सीजन नहीं बोल रही हूँ तो एट द एंड आके फिर रिग्रेट करते हैं अब क्या होगा मेरा अब तो मुझे कुछ पढ़ाई ही नहीं की मैंने कुछ याद ही नहीं है मुझे पता ही नहीं है पढ़ना क्या है बुक में क्या है कौन सा चैप्टर एंड एवरीथिंग तो ये होती है फर्स्ट कैटेगरी बच्चों की हालत ठीक है तो इसीलिए आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाई गई है कि डोंट बी अ क्रिकेट राइट क्यों क्योंकि अगर क्रिकेट की तरह अपना टाइम वेस्ट कर दोगे हमेशा ऐसे इंजॉय करते रहोगे एट द लास्ट मोमेंट पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आर नॉट गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट और द डिजायर्ड रिजल्ट आई मस्ट से क्लियर ऑल राइट

राइट तो, 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 तो इसीलिए अब वो ड्रिपिंग विध वेट यानी पूरी तरीके से गीला हो गया है क्रिकेट एंड ऑल ट्रेवलिंग विद कोल्ड एंड इट इज विंटर एंड यू आर वेट तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो वो शिविर कर रहा है ट्रेवलिंग शिविर करना का ठंड के मारे अवे ही सेट ऑफ टू एंट अब वो थोड़ी दूरी पे जहाँ पे एंट रहती है वहां पे जाता है एंट क्या है माइसरली है यानी कि कंजूस है यानी वो अपनी चीजें रख तो लेती है अपने पास बट तो देना पसंद नहीं करती किसी को तो वो माइसर है तो वो अब इस एंट के पास जाता है टू सी टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रैंड कि ये देखने के लिए कि ताकि ये क्रिकेट जिंदा रह पाए तो क्या एंट उसकी मदद करेगी या करेगा ही वुड ग्रैंड लिखा है तो क्या वो मदद करेगा एंट जो है कि यू नो ठीक है मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दे देता हूं या फिर मैं तुम्हें शेल्टर के लिए कुछ दे देता हूँ तो लेट सी अब जब क्रिकेट जो है जा रहा है एंट के पास विल ही गेट समथिंग टू ईट विल ही गेट समथिंग फॉर द शेल्टर तो अब वो कहां निकल चुका है एंट के पास क्लियर ऑल राइट

तो वो सोचते हैं है कि कम से कम ये के पास जाऊंगा तो क्या पता मुझे वो शेल्टर दे दे एक रहने की जगह दे दे फ्रॉम रेन ताकि आई शुड बी एबल टू यू नो सेव माई सेल्फ फ्रॉम दिस रेन फ्रॉम दिस कोल्ड

and he would ask them to give him shelter from rain that is going to protect him from rain or give him something to eat so that he should not die because of the starvation or the hunger. and also he, if he does not take this decision, he is definitely going to die. but it was not like he wanted it for free or he was like, just i wanted, i would never repay it back. he was of a decision or he was of a thought that right now he needs it, so he would borrow it. and then next time, as the conditions are going to get better, he is going to repay it.

तो ये चीज होती है तो एट दी एंड हमको लगता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी करूंगा मैं बस मुझे नोट्स मिल जाए मुझे कोई पढ़ा दे यू नो एट दी लास्ट मोमेंट तो यही चीज अब किसके साथ हो रही है क्रिकेट के साथ बिकॉज जब टाइम था

But tell me dear cricket, did you lay nothing by?

सेव थे क्या तुमने कोई भी चीज सेव नहीं की ना खाना सेव किया ना ही शेल्टर के लिए लीफ फ्लार कुछ भी सेव नहीं किया तुमने When the weather was warm, तो वो question, मतलब एक चल रहा था के दिमाग में कि जब वेदर इतना सही था वॉर्म था सनी था स्प्रिंग सीजन चल रहा था तब तुम इजिली सारी चीजें सेव कर सकते थे तो क्या तुमने कुछ भी सेव नहीं किया कुछ भी बचा के नहीं रखा तो क्रिकेट बोलता है मतलब सेड, मतलब पुरानी जो English words है, उसमें कोथ का मतलब होता है बोलना तो क्रिकेट बोलता है कि नहीं मैंने कुछ भी सेव नहीं किया तो वंस ही

और उसने साफ-साफ अब मना कर दिया है लेट्स सी कि अब जब क्रिकेट बोलता है कि नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है मैंने कुछ भी सेफ नहीं किया जब वेदर बहुत वार्म था या फिर वो रीजन बताएगा क्या कि एग्जैक्टली exactly वो क्या कर रहा था तो लेट्स सी कि ऐंट्स का रिएक्शन इस पे क्या है माय हार्ट वाज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू sang sir you say go then says the ant and dance the winter away अब क्या होता है क्रिकेट बोलता है कि नहीं मैंने कुछ भी सेव नहीं किया था क्योंकि मुझे अच्छा लाइट no no, uh, so बहुत अच्छा लग रहा था हल्का लग रहा था जैसे कि एग्जाम्स जैसे खत्म होते हैं हमें फील होता है ना स्टूडेंट्स को फेल होता है जब मुझे मैं स्टूडेंट थी जब फील होता था कि हाश अब एग्जाम खत्म अब कुछ नहीं पढ़ना एक दो दिन या एक महीना तो चिल करेंगे राइट तो वो जो फीलिंग होती है क्या होती है आपको बड़ा लाइट फील होता है कि कुछ भी नहीं अब दुनिया में मतलब सब अच्छा अच्छा दिखने लगता है सेम चीज क्रिकेट के साथ हो रही थी वेदर इतना प्यारा था तो उसके लिए ऐसा था कि उसका हार्ट बहुत लाइट फील हो रहा था और इसीलिए वो पूरा दिन पूरी रात जो है सिर्फ गाना गाता रहता था ही 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 सिंगिंग टू टू सिंग सिंग सो डे एंड नाइट तो वो बोलता है मैं पूरा टाइम सिर्फ गाना गाता था फॉर ऑल नेचर लुकड गे वो बोलता है क्योंकि पूरा जो नेचर है जो इन्वायरमेंट है मुझे इतना हैप्पी लगता था इतना हैपनिंग लगता था इतना यू नो बिल्कुल ऐसा लगता था कि बेस्ट मोमेंट है तो मैं उसको इंजॉय रहा था तो एंट बोलते हैं यू सैंग सर यू से तो चीटी बोलते हैं कि अच्छा आप ये बोल रहे हैं क्रिकेट आप सर ये बोल रहे हैं कि आपने पूरा दिन जो है गाने में बिता दिया यानी पूरा समर सीजन आप सिर्फ गाना गा रहे थे गो देन सेज द एंड तो एंड बोलता है ठीक है अब तुम जाओ एंड डांस द विंटर अवे जैसे तुमने समर्स को सिंग करते हुए गाना गाते हुए वेस्ट कर दिया तो विंटर्स में डांस करो डांस करते करते इसको भी

Folks call this a fable. I will warrant हमें बिल्कुल स्पीड से, जो ये एंड थी लिफ्टेड और ही लिफ्टेड विकेट और फिर वो क्या करते हैं वो क्रिकेट को बिल्कुल धक्के मार के निकाल देते हैं अपने घर से पुअर लिटिल क्रिकेट को डोर से बिल्कुल बाहर कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि यहाँ से जाओ और फिर हमें पोइट बोलते हैं कि यानी ऑडियंस लोग लोग बताई जाती है बट मुझे लगता है मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये ट्रू आई विल वॉरेंट इट ट्रू आई मीन पोएट सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स कुछ क्रिकेट्स होते हैं जिनके चार पैर होते हैं लेग्स होते हैं जैसे कि हमारा इंसेक्ट है उसके चार पैर होते हैं बट सम हैव टू तो टू legs वाले कौन होते हैं भाई ह्यूमन बींग्स क्लियर तो यहां पे बहुत अच्छे से हम इंसानों को

आ जाती हैं जब लगता है कि नहीं कुछ सेव कर लेना चाहिए था तब help, right? या फिर मैं अब कर लूंगा बट देन इट्स टू लेट तो अब क्या होता है एंड जो है वो सीधे सीधे उनको भगा देती है, बिल्कुल जल्दी से बोलती है कि जस्ट गो आउट ऑफ आर हाउस एंड स्पेंड योर विंटर्स डांसिंग द वे यू डिड सिंगिंग क्लियर And then the poet says that people believe that it's just a fable, it's just a story to convey that moral message to people. But I think it's definitely true because there are some crickets, some insects who have four legs, but there are some who have two legs that is, the human beings who waste their time, who enjoy.

वे में तो क्या होगा लास्ट में जाके आपको सिर्फ रिविजन करोगे आपको भी खुशी होगी कि अरे वाह मैं तो ऑलरेडी प्रिपेयर हूँ तब एंशियस फील नहीं करोगे तब टेंस्ड नहीं रहोगे तब जाके नोट्स नहीं मांगने पड़ेंगे यू you नो know, बाकी स्टूडेंट से जैसे क्रिकेट एंडस के पास जाता है कि भाई मेरी थोड़ी हेल्प कर दो थोड़े घर रहने की जगह दे दो थोड़ा खाना दे दो वापस कर दूंगा एंड एवरीथिंग होता क्या है उनको बोलती है भाई जाओ हमें नहीं देना तो यहाँ पे माइसर भी इसीलिए बोला एंड को क्योंकि वो इतनी कंजूस है कि उन्होंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की क्रिकेट की तो दोनों सिनारियों देखो पूछा जा सकता है आपके हिसाब से एंड सही थे कि नहीं तो एक तरीके से वो सही थे कि उन्होंने क्रिकेट को बोला कि तुम्हारी गलती है बट दूसरी तरफ उनको ये रियलाइज कराने के बाद हेल्प करनी चाहिए थी बिकॉज अब क्रिकेट जो है ही कुड इवन

अब हमें क्या देखना है वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सी द समरी वंस अगेन सो दैट वी कैन रिवाइज इट देन वी विल सी द राइम स्कीम एंड पोलिटिक डिवाइस बीन यूज एंड फाइनली वी विल डिस्कस द एनसीआर क्वेश्चन ऑफ दिस पोम क्लियर तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं वेरी सून टिल देन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय